तो जिस तरह से मोटिवेशनल वीडियोस और सेल्फ हेल्प बुक्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ना, मोटिवेशनल वीडियोस का, सेल्फ हेल्प बुक्स का कंजप्शन और क्रिएशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, हमें एक बात तो बड़े अच्छे से समझ में आ रही है कि हमारी लाइफ में आजकल मोटिवेशन की कितनी ज्यादा नीड और इंपॉर्टेंस हो गई है। पर इन सेल्फ हेल्प बुक्स की और इन मोटिवेशनल वीडियोज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में शायद कोई कोई बात नहीं कर रहा और जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर थे वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प, इफ यू वांट टू गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर वन, मोटिवेशनल वीडियोज का तो सबका पता होगा, बट इन केस यू डोंट नो व्हाट आर सेल्फ हेल्प बुक्स तो मैं बताता हूँ। तो देखो, बेसिकली बात ये है कि अगर तुम मोटिवेशनल वीडियोस को उठा लो, चाहे वो संदीप महेश्वरी की हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा की हो, चाहे वो गैरी वेनरचक की हो, चाहे वो किसी के भी हो, अगर मैं उन मोटिवेशनल वीडियोस को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो लेमैन टर्म्स में वो बन जाएंगे सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प का बेसिकली मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब तुम और हेल्प का मतलब हेल्प। तो जो बुक तुम्हारी हेल्प करे, जो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह है उसको जो दूर करते, वही तुम्हारा सेल्फ हेल्प है, मतलब जो तुम्हारे सेल्फ को हेल्प करे। नाउ पार्ट नंबर टू ऑफ दिस वीडियो इज बेसिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर दो भी जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं उसमें। तो देखो, बात बड़े सिंपल सी है। जब भी तुम्हारे लाइफ में किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्ट्रेस की हो, एंजाइटी की हो, चाहे वो डिप्रेशन की हो, यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, जो कि कंप्लीटली फाइन है। अब तुम रिजॉर्ट करते हो किसी सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर, या फिर तुम रिजॉर्ट करते हो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर, या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो के ऊपर, जो कि अगेन फाइन है। लेकिन वहां पर ना कई लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते कि ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना भी ना अपने आप में स्ट्रेस ही है। अब इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब भी किसी प्रॉब्लम आती है, मान लो मैं स्ट्रेस की दिक्कत को ले लूँ, तो वहां पे ना दिक्कत दो पार्ट से बटी होती है। एक जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है उसके सिम्टम्स होते हैं, और एक जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है उसके रूट्स होती है। तो क्या होता है ना कि ये जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं या फिर ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स में तुम्हारे प्रॉब्लम के सिम्टम्स को ठीक करते हैं, मतलब तुम्हारे अपर लेयर को ठीक करते हैं, और जो तुम्हारे रूट्स से वहां तक पहुंचते नहीं है। इसको तुम सिंपल से समझो, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड में प्लांट है, तो जो तुम्हें प्लांट ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है वैसा तो है ही नहीं कि वो कंप्लीट प्लांट है। तो अगर तुम उसको ऊपर से काट भी दोगे तो भी उसके रूट्स तो नीचे है ही, तो वो ग्रो बाद में करेगा। एंड एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम हैपेंस विद आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ जो भी हम फेस करते हैं। तो वहां पर क्या होता है ना कि जब भी जैसे कोई बंदा स्मोक करता है तो उसे स्मोकिंग की आदत होती है, जो बंदा ड्रिंक करता है तो ड्रिंकिंग की आदत होती है। वाई? बिकॉज दे नो कि जब भी वो उन एक्टिविटीज को करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बट दे डोंट रियलाइज द फैक्ट कि वहां पर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, वहां पर प्रॉब्लम के सिम्टम्स ठीक करते हैं। एंड बिलीव मी, सिम्टम्स को ठीक करना इज नॉट इक्वल टू प्रॉब्लम को ठीक करना, बिकॉज दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं। और फिर ये एक लूप बन जाता है। जब भी तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तुम्हारे सिम्टम्स ठीक हो गए, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा था, तुम्हें लगा ऊपर ऊपर से स्ट्रेस ठीक हो गया, यू फील मोटिवेटेड एंड इट्स ऑल फाइन। तुमने कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली, कोई मोटिवेशन आया, तुमने एक्सटर्नल देख लिया, तुम्हारे सिम्टम्स ठीक हो गए, इट्स ऑल फाइन। तुमने इन द सेम स्मोकिंग कर ली, ड्रिंकिंग कर ली, जो भी वीड जो भी चीजें होती है वो तुम्हारे सिम्टम्स को ठीक कर देते हैं, एंड देन दैट इज ऑल फाइन। फिर तुम्हें लगता है कि ये तो ठीक हो गया, लेकिन फिर से 3 दिन बाद, हफ्ते बाद तुम्हारी वो चीज़ घूम के आती है, और उसके बाद तुम वापस से बुक्स पढ़ते हो, तुम सेल्फ हेल्प वीडियो देखते हो, जो भी तुम कंज्यूम करते हो, और उसके बाद वो चीज़ एक लूप बन जाती है। प्रॉब्लम आई, तुमने वीडियो देखी, बुक्स पढ़ी, तुम्हारे सिम्टम्स ठीक हो गए, तुम्हें ऐसा लगा कि प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर से दिक्कत आई, फिर से बुक पढ़ी, फिर से सिम्टम्स ठीक हुए, फिर से दिक्कत आई, तो ये पूरा साइकिल बन जाता है। एंड पीपल डोंट रियलाइज इन एनी वे कि ये जो साइकिल है कितना डेंजरस होता है। एंड इन द सेम वे फिर ये जो तुम्हारे लूप बन जाता है, इसमें तो मोटिवेशन वीडियो देखते 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 तुम्हारी इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि फिर तुम्हें हर चीजें मोटिवेशन के नीड पड़ने लगते हैं, विच इज नॉट राइट। नाउ दिस वॉज अ प्रॉब्लम विद द सेल्फ हेल्प बुक्स एंड द मोटिवेशनल वीडियोस, और ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट रियलाइज इट नाउ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। देखो, हेल्प लेने में और मोटिवेशन में दिक्कत होती है, सॉरी फर्क होता है। अगर तुम किसी से हेल्प ले रहे हो, अगर तुम काउंसलिंग कर रहे हो, डैट इज ओके, पर मोटिवेशन लेना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मोटिवेशन इज लाइक कि तुम्हें ना ऊपर ऊपर से कुछ चीजें डाल दी जाती है और तुम्हें लगता है कि अच्छा हो गया, लेकिन जो चीज तुम्हारे रूट्स तक पहुंची गई नहीं, वो तुम्हें रूट तक हील नहीं कर पाएगी। तो इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ जिसको तुम सेल्फ हेल्प बुक से या फिर मोटिवेशनल वीडियो से ठीक करने का सोचते हो, देन योर प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग हील्ड फ्रॉम योर रूट्स, वो बस सिम्टम्स हट रहे हैं। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स तो दिखते नहीं है, तो मतलब वो दिक्कत ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो रूट्स पर जाना और वहां से हील करना इंपॉर्टेंट है। नाउ
ये तो वही दिक्कत की बात है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेल्फ हेल्प बुक्स को मत पढ़ो, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस को मत देखो। मैंने भी देखी है, ऑलमोस्ट हर बंदा देखता है या फिर देख चुका है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन द की इज टू बूस्ट द इम्पैक्ट ऑफ दोस वीडियोस और वो लंबे टाइम तक रहे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो बड़ी सी सिंपल सी बात है, इफ़ यू रियली वॉन्ट कि तुम्हारे प्रॉब्लम रूट से हील हो, यू रियली नीड टू मेडिटेट, बिकॉज दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग कि और कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, बट आई नो कि दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर फाइंड। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे मैं भी क्या करता हूँ, वेन एवर आई मेडिटेट आफ्टर दैट आई रीड सम काइंड ऑफ गुड थॉट्स और मे बी सम काइंड ऑफ गुड बुक्स, भले वो मैं एक दो पेजेस ही क्यों ना पढ़ूं। तुम ट्राई करना, एक बार ही तुम सुबह उठो और तुम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो एक दो पेज, या फिर तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, एक बार उसको एक्सपेरिमेंट करना। एंड देन एक दिन ट्राई करना कि तुम सुबह उठ रहे हो, यू आर मेडिटेटिंग फर्स्ट एंड देन यू आर रीडिंग एनी सेल्फ हेल्प बुक, या फिर तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, फिर तुम्हें इम्पैक्ट समझ में आएगा। वेन यू मेडिटेट एंड देन यू रीड एंड देन यू कंज्यूम सम काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प कॉन्टेंट, तो फिर तुम्हें समझ में आता है कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि तुम्हारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है और चीजें तुम्हारी रूट्स तक जाती है। और मेडिटेशन इज द वे जहां पर तुम्हारी चीजें रूट से हील होती है, वरना बाकी चीजें एक्सटर्नल होती है और तुम्हें बस अच्छा अच्छा फील होता है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता है, तुम उस लूप में फंस जाते हो। तो यू नीड टू गेट इनटू दिस मेडिटेशन वाला पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दैट सेंस इफ यू रियली वॉन्ट टू हील योर सेल्फ फ्रॉम द रूट्स। और उसके बाद तुम बुक्स पढ़ो, वीडियो देखो, देर इज नो हार्म। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, एक टाइम के बाद तुम सेल्फ से इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, तुम सेल्फ से इतना ज्यादा ब्लिसफुल रहोगे कि तुम्हें कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें सही बताता हूं, तुम एक दिन में 2 घंटे कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो या फिर उसके अलावा 15-20 मिनट की मेडिटेशन कर लो, दे विल बी इक्वल। और मैं तो कहता हूं मेडिटेशन वुड बी मोर इम्पैक्टफुल इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ये जो बुक्स होती है ना, ये तुम्हारी रिसेप्टिविटी पर डिपेंड करती है। तुम एक सेम सेल्फ हेल्प बुक किसी बच्चे को बताओ और तुम कोई एक सेल्फ हेल्प बुक्स किसी मेच्योर पर्सन को दो जो 18-20 साल का है, तो उनके तुम्हें फर्क दिख जाएगा कि वो बच्चा उस बुक को उस वे में इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा जितना वो 18-20 साल का बच्चा करेगा, बिकॉज वहां पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिसेप्टिविटी कितनी है। और ये जो मेडिटेशन है वो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे सोल को मोर रिसेप्टिव बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक और बाकी जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस है, चाहे तुम किसी की भी ले लो, अगर तुम रिसेप्टिव नहीं हो तो दे वॉन्ट वर्क। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो काम कर रही है बट दे वॉन्ट वर्क, और वो टेम्पररी हो जाएगा। फिर रियली वॉन्ट टू मेक द इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग, मेडिटेट और देखना, फिर धीरे धीरे तुम्हें इन सेल्फ हेल्प बुक्स की नीड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। बहुत रेयरली तुम्हें मन करेगा देखने का, बिकॉज देन यू विल नो कि इफ आई नीड एनीथिंग आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड द होल वर्ल्ड विल बी इन साइड मी और इन फ्रंट ऑफ मी। और इस चीज को जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लो, डोंट बिलीव मी, ट्राई कर लो, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट एट दिस। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता ट्राई कर लो, अगर नहीं होता कमेंट में आके मुझे गालियां दे देना, बट इन केस फायदा हो तो भी आके बता देना। सबसे पहले गाइस, दैट इज एन एनालिटिकल वीडियो ऑफ द प्रॉब्लम विद सेल्फ हेल्प बुक्स एंड मोटिवेशनल वीडियो। तो फिर लाइक दिस वीडियो, और क्या क्या होता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, मेरे बाकी वीडियो को देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियो, दैट इज फ्रॉम माय साइड, एल्स फिर मैं नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।